गुंडीचा वापस अपने भवन में जाकर के रहने लगी। जगन्नाथ भगवान पूरे साल भर दर्शन देते हैं पूरे विश्व को, जगत के स्वामी नाथ बन करके खड़े रहते हैं, लेकिन जैसे ही घड़ी आती है स्नान पूर्णिमा के 15 दिन बाद रथ पर आरूढ़ होकर के अपनी मैया के पास जाने की, जगन्नाथ भगवान नन्हे से बालक जैसे बन जाते हैं। इतना विशाल स्वरूप है ठाकुर जी का, लेकिन ब्रह्म वेदी से उतर करके और महाराज फिर अपने श्री मंदिर से ऐसे उछल उछल करके सब पंडा पुजारियों के कंधा पे ऐसे हाथ धर के उछल उछल करके ठाकुर जी जाते, मैं अपनी मैया से मिलने जा रहा हूं, मैं अपनी मैया के पास जा रहा हूं। पंडा पुजारी बोलते हैं कि कई बार तो श्री जगन्नाथ भगवान इतने आनंद में भर जाते हैं कि यों पड़ जाते हैं, नीचे 2-4 पंडा दब जाते हैं ठाकुर जी के, ऐसे आनंद में भर जाते, कभी नीचे गिरे हैं कभी पीछे गिरे हैं और ऐसे हिलोरे लेते हुए। आहा, साल वेग स्तुति करता है जगन्नाथ भगवान की जब वे जाते हैं गुंडीचा के लिए। अहे नील शैल प्रबल मातावरण, प्रबल मातावरण, मुआर तन लनी बनकु कर दनन। अहे नील निताई गौर, परिवार वालों आप लोगों ने ऐसे विषय में मुझे बैठा दिया है, अब मेरा मन हो रहा है कि मैं 7 दिन की कथा कर दूं, और सच बता रहे हृदय इतना भर रहा है जगन्नाथ जी को याद करके। अद्भुत नाथ है, हमको यहां कथा पूरी करके सीधे कानपुर जाना है, नहीं तो मैं सीधे जगन्नाथपुरी चला जाता, इतना इतनी याद आ रही है श्री ठाकुर जी की। कहे साल बेग मील हीन जाती रे मुयवन, कहे साल बेग हीन जाती रे मुयवन, श्रीरंगा चरण तल करिय सभवन। अहे नील शैल प्रबल मातावरण, प्रबल मातावरण, मुआर तन लनी बनकु कर दलन। अहे नील शैल, कथा सुनेंगे हम एक दिन। साल वेग एक मुसलमान पिता का पुत्र है, साल वेग उसकी मां ब्राह्मणी है, हट पूर्वक एक क्रूर राजा के सेनापति ने एक ब्राह्मण कन्या का हरण कर लिया, और हरण करके बलपूर्वक गर्भाधान कर दिया, तब गर्भ से जन्म लेता है साल बेग, काल बेग का बेटा साल बेग। मां मन में विचार करती है कि अब मेरे साथ जो हुआ सो हुआ, लेकिन कम से कम मैं अपने पुत्र को भगवत भक्त तो बना दूं, अपने पति से छुपा छुपा करके श्री जगन्नाथ जी की मधुर रस चर्चा कथा सुनाती है। साल वेग धीरे धीरे बड़ा होने लगा। एक दिन गांव के बहुत सारे वैष्णव बैलगाड़ियों में बैठ करके जा रहे थे, साल वेग ने मां से पूछा ये सब कहां जा रहे हैं, तब मां ने बताया जिन जगन्नाथ जी की कथा तो सुनता है ना रात्रि में, वही जगन्नाथ रथ में आरूढ़ होकर के अपनी मैया से मिलने जा रहे हैं साल वेग, और उनको अपनी मां तक ले जाने के लिए सब वैष्णव इकट्ठे हो रहे हैं। सालवेग कहता है मां मुझे भी दर्शन करना है श्री जगन्नाथ जी का।
माँ कहती है, नहीं बेटा, तू तू अगर गया तो तेरे पिता कितने क्रूर हैं तू जानता है ना, तुझे मार देंगे, और तुझे तू अगर चला भी गया तो शायद लौट के आए तो मैं जीवित नहीं मिलूंगी। तू एक काम करना, यहीं से जगन्नाथ का स्मरण कर ले, तू तो जानता है ना, तूने तो बचपन से सुना है उनका स्वरूप कैसा है, उनके रथ का नाम बता जल्दी। सालबेग कहता है नंदी घोष। मैया के घर का नाम बता जल्दी, बोले गुंडीचा। भैया का नाम बता, बोले बलभद्र भैया। तू सब तो जानता है, तू यहीं बैठ के स्मरण कर लेना उनका। अब तू जाने की अनुमति तुझको नहीं दे सकती मैं। तब साल बेग अपने घर की छत पे ही बैठ गया है और वहीं से ही जगन्नाथ जी की दिशा में खड़े होकर के स्तुति गाता है। वो क्या कहता है अपनी स्तुति में, शब्द उड़िया भाषा के हैं पर इतने सुंदर हैं। अरे नीलाचल पर्वत के मतवाले मतवाले हाथी जगन्नाथ, मैं जानता हूं, मैंने कभी देखा नहीं है पर मुझे पता है आप मतवाले हाथी की तरह उछल उछल करके उस नीलाचल पर्वत से उतर करके आते हो, लेकिन हाथी का एक स्वभाव होता है कि वो जब भी कमल के वन को देखता है तो कीचड़ में प्रकट हुए कमल को सूंड से पकड़ करके पैरों से रौंद देता है। मुआर तन लनी बनकू कर दलन, हे जगन्नाथ मेरे हृदय रूपी आर्त के सरोवर में जो दुनिया भर के कमल प्रकट हो गए, जो मुझे आपसे मिलने से रोक रहे हैं, चाहे वो मेरे पिता हो चाहे वो मेरी जाति हो, इन सब कमलों को अपने हाथ से पकड़ करके रौंद दीजिए ना। गजराज चिंता कल थाई घोर जले गजराज चिंता कल थाई घोर जले न गजराज अहे नील शैल। भैया जल्दी खोलो सब, और सालबेग की स्तुति सब मेरे साथ गाओ, उड़िया में मत खोल लेना नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अहे नील शैल गजराज चिंता कल कल थाई घोर जले न चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धरील अपन अहे नील शैल प्रबल मतावरण प्रबल प्रबल मतावरण प्रबल मतावरण मुआर तन लनी बनकू कर दलन अहे नील शैल। गजराज चिंता कर रहा था मेरी तरह कि अरे मैं तो जानवर हूं, मुझ पर कृपा कैसे करेंगे ठाकुर जी।
वो भी मेरी तरह चिंतित हुआ था अपनी जाति को लेके, प्रजाति को लेकर के, जैसे मैं चिंतित हो रहा हूं कि मैं कालबेग का बेटा हूं, मैं मुसलमान हूं, मेरी मां मुझे जाने नहीं दे रही है, ऐसे ही चिंता में पड़ा था गजराज। लेकिन नाथ आपने क्या किया, चक्र पेशी नक्र नाशी उद्धरीला अपना। आप तुरंत सुदर्शन चक्र लेकर के गए और उसके पैर को अपने मुख में लेकर के बैठे ग्राह का वध करके आपने उस पर कृपा कर दी। लेकिन उस पर तो कर दी, मुझ पर कब करोगे महाराज? श्री जगन्नाथ जी जैसे ही पहुंडी करते हुए आए और आकर के अपने रथ पर विराजमान हुए, कोसों दूर से गा रहे सालवेग का स्वर श्री जगन्नाथ जी के कान में आने लगा। लाखों की तादाद में वैष्णव श्री जगन्नाथ जी के रथ को खींच रहे हैं। आज जगन्नाथ जी का रथोत्सव हो रहा है, सब लेकर के मैया के पास जा रहे हैं जगन्नाथ जी को। लेकिन सालवेग की स्तुति सुनकर के श्री जगन्नाथ जी ने अपना रथ वहीं रोक दिया। खींच खींच करके पसीना पसीना हो गए सब, लेकिन तस से मस नहीं हुआ जगन्नाथ जी का रथ। उस समय के गजपति मतलब राजा को, जगन्नाथपुरी के राजा को गजपति कहते, गजपति दौड़ करके गया महाप्रभु जी के सामने, प्रणाम किया, आज्ञा करें महाप्रभु, क्या अपराध बन गया, आपका रथ क्यों नहीं चल रहा है? जगन्नाथ महाप्रभु गजपति से आज भी बात करते हैं, आज भी दर्शन देते हैं गजपति को। गजपति को आज्ञा करते हुए जगन्नाथ जी बोले, आज की रथ यात्रा में वैष्णव नहीं आए? गजपति बोला, नाथ जहां तक दृष्टि घुमाओगे सिर ही सिर दिख रहे हैं, इतने वैष्णव तो हैं। बोले, मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे तो केवल एक स्वर सुनाई दे रहा है, अहे नील शैल प्रबल मत्तावरण मोआरत नलनी बन कुकर दलन। एक नन्हा सा बालक सालवेग अपनी छत पर खड़ा खड़ा मुझे याद कर रहा है, अभी इसी वक्त उसको जगन्नाथपुरी बुलवाओ, तब तक मेरा रथ आगे नहीं बढ़ेगा। वो आकर रथ का स्पर्श करेगा तभी रथ बढ़ेगा। गजपति ने सेना बुलाई, सेना लेकर के गए महाराज किलोमीटरों दूर, दो दिन तो पहुंचने में लगे। सालवेग के घर गए, उसके पिता ने खूब रोकने का प्रयास किया, इतनी सैन्य बल गया था महाराज, सबने दूर किया और एक पालकी में सुंदर मां के सहित सालवेग को बिठाया और लेकर के पालकी में नाचते गाते हुए लेकर के जगन्नाथपुरी आए। लाखों करोड़ों वैष्णव आस लगा रहे हैं, रथ तो खिंचे ही नहीं रहा है। तभी उस सभा में उन लाखों करोड़ों वैष्णवों के बीच में एक चेतना जगी, सब जय जयकार करने लगे। क्या देखते हैं, पालकी पर नन्हा सा बालक सालवेग बैठ करके आ रहा है। भैया सब सालवेग के पुष्प बरसाने लगे। सालवेग तो अचंभित है, वो विचार ही नहीं कर पा रहा ये हुआ क्या। और जैसे ही उस मार्ग में पहुंचा है जहां नंदी घोष रथ खड़ा है, सालवेग ने पहली बार नेत्र खोल करके सामने देखा तो नंदी घोष रथ के ऊपर बैठे जगन्नाथ जी झूम रहे हैं, उछल रहे हैं, आनंद में भर रहे हैं, इतने प्रसन्न हो रहे हैं महाप्रभु जगन्नाथ, और बार बार गजपति को इशारा कर रहे हैं, बोले इतनी देर मत लगाओ, उसको जल्दी लेके आओ, मेरे मेरे हृदय से ला करके लगा दो इसको। यहां सालवेग रथ के ऊपर चढ़ रहा है और श्री जगन्नाथ जी झूम झूम करके, मचल मचल करके अपनी बाएं फैला करके खड़े, ले आओ इसको मेरे हृदय से लगा दो। पैर रख कहीं रहा है, जा कहीं रहा है, उसकी तो स्थिति विचित्र हो गई सालवेग की। सब लोगों ने ले जाकर के जैसे ही जगन्नाथ भगवान के हृदय से लगाया, महाप्रभु जी के नेत्र सजल हो गए और मानो हृदय से लगा के महाप्रभु जी कह रहे गजेंद्र पर कृपा की थी पर गजेंद्र को हृदय से नहीं लगाया, सालवेग तुझे हृदय से लगाया, चलो प्रणाम तो कर ले। सालवेग तो फूट फूट के रो रहा है, कितने कृपालु हैं नाथ, कितने दयालु हैं जगन्नाथ।
साल बेग ने थोड़ा पीछे हट करके जैसे ही दंडवत प्रणाम किया, सब भक्त प्रतीक्षा करते रहे लेकिन साल बेग उठा नहीं और वहीं साल बेग ने अपने प्राण त्याग दिए, श्री जगन्नाथ जी में ही विलीन हो गए। ये बंधुओं वर्षों पुरानी कथा है, पर आज भी महाप्रभु जगन्नाथ जी जब गुंडीचा जाते हैं साल बेग की समाधि पर, आज भी जगन्नाथ जी का रथ रुकता है और आज भी साल बेग की स्मृति में कुछ पंडा पुजारी वहां साल बेग को याद करके इस स्तुति को सुनाते हैं और आज भी अनुभव होता है जब साल बेग की स्तुति गाई जाती है श्री जगन्नाथ जी थोड़े थोड़े झूम जाते हैं। आज भी साल बेग का स्मरण करके श्री महाप्रभु जी आनंदित हो जाते हैं। बोलो जगन्नाथ महाप्रभु की।